Students, in your chapter 1, building with bricks, you will understand some new patterns. Brick patterns for Jagriti School. Bricks से मतलब होता है ईंटें, जो आपके मकान बनाने में काम आती है. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad, West Bengal. यह मुर्शिदाबाद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में. वहाँ पर एक स्कूल है जागृति स्कूल. उसकी एक सच्ची घटना है. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and PR were the masons for the brick work. Mason मतलब होता है वो कारीगर जो मकान बनाने का काम करते हैं. They wanted to get new ideas for the school building. So they took their other friends to see the old tomb of Murshid Kuli Khan. ये Murshid Kuli Khan की tomb है जो ये फोटोग्राफ्स हैं. इन मैसन्स ने प्लान किया कि जब स्कूल की हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका ब्रिक पैटर्न हम जो फ्लोर और वॉल का बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनाएं जो एक सबसे अलग हो. तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि मुर्शिद कुली खान की जो टॉम है, जो उसका मकबरा है, उसको हम ज़रा देखें. दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स. जो मुर्शिद कुली खान की टॉम है उस पर कम से कम 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं. दीज वर मेड बाय मैसन लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो. ये करीब 300 ईयर्स पहले बनाए गए थे. नाउ लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज फाइव फ्लोर पैटर्न्स. अगर हम ये देखें 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग फ्लोर पैटर्न्स, इसको आप देखिए ये ब्रिक्स किस तरीके से रखी गई है. ओके, सम मोर ब्रिक पैटर्न्स आर शोन हियर लाइक नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे एंड आंसर देंगे दैट विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट. आपको सबसे अच्छा कौन सा पैटर्न लग रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5, और हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर. क्या ये पैटर्न्स आपने कहीं देखे हैं, येस और नो. द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड. जमाल सेड, आह, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स, वी हैड फॉरगॉटन दीज. लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. जब मैसन्स वापस आए तो जमाल ने क्या कहा, आह, उन दिनों कितने इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स, ईंटों की जो संरचना थी, जो पैटर्न्स थे, कितने शानदार थे. इन सबको हमने भुला दिया है, चलो हम कुछ नई डिजाइन बनाते हैं, अच्छी सुंदर डिजाइन बनाते हैं हमारे स्कूल के फ्लोर के लिए. ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्व्स. जब अलग अलग पैटर्न्स देखे इन मैसन्स के बनाए हुए, सब लोग बहुत खुश हुए. स्कूल बहुत अपने आप पे गर्व कर रहा था कि कितनी सुंदर बिल्डिंग है हमारे स्कूल की. और बच्चों ने वहाँ खेला, गाने गाए और नए नए पैटर्न्स बनाने की प्रैक्टिस की खुद. आइए हम उन पैटर्न्स को देखते हैं. नाउ लुक एट दीज पैटर्न्स विच वर मेड बाय चिल्ड्रेन लाइक यू. दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. ओके, 11 पैटर्न्स आ देयर. आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे और कुछ आंसर्स देंगे. विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्किल. इनमें से कौन सा पैटर्न है जो सर्किल में है, उसके आगे आपको उस पैटर्न का कोड लिखना है. इफ आंसर इज जे देन राइट डाउन जे. अगर एक से ज्यादा है तो आपको एक से ज्यादा आंसर देने हैं यहाँ पर. इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन. अगर आपको कोई पैटर्न ऐसा दिख रहा है जो मिरर हाफ है, मतलब अगर आप उसको हाफ कर दें तो बिल्कुल उसकी इमेज आ जाएगी. लाइक दिस ए पैटर्न, अगर आप यहां लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, ये हाफ, इस हाफ का बिल्कुल मिरर इमेज है. सेम केस विद दिस वन ऑल्सो, अगर आप इसको हाफ करते हैं तो मिरर इमेज बन जाती है. इन दिस केस ऑल्सो, ओके, दिस वन ऑल्सो. तो आप मिरर इमेज वाले जो पैटर्न है उसको आप चूज करेंगे. नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स. और अब आप अपने रफ कॉपी में नए नए फ्लोर पैटर्न्स बनाएंगे और वो बहुत सुंदर बन जाएंगे, तो उसको आप अपनी मैथ्स कॉपी में भी बनाएंगे. अब पैटर्न्स बनाने के पहले सवाल आता है कि हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक, एक ईंट की बनावट कैसे बनाई जाए.
These are two photos of the same brick. एक ही ब्रिक के दो फोटो हैं. You can differentiate these photos. In one photo, we can see only one face of the brick. In the other, we can see three faces. आप ये देखिए, यहां सिर्फ सामने का फेस दिख रहा है. लेकिन in this picture, you can see this one, you can see this one and this one. Three faces are there. Circle the photo showing three faces. अब इसमें आप उस फोटो को सर्कल बनाना है जिसमें थ्री फेसेस दिख रहे हैं. हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? एक ब्रिक के कितने फेस होते हैं? इन एनी फेस, इज एनी फेस अ स्क्वायर? क्या कोई भी एक फेस स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल है? सब ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक. और जो इस ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस है उसको आपको ड्रॉ करना है. विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक? मार्क. ओके, अब कौन सा फेस ब्रिक का फेस दिखाई दे रहा है उसको आपको टिक करके मार्क करना है. विच ऑफ दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक? मार्क दिस वन. अब इसमें से ब्रिक की ड्रॉइंग कौन सी है उसको आपको मार्क करना है. ब्रिक मतलब ईंट जो मकान बनाने में काम आती है. मेक अ ड्रॉइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेसेस. अब यह आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ओके, जिसको कंपास बॉक्स भी बोलते हैं आप. इसकी ड्राइंग आपको बनानी है और इसके तीन फेसेस दिखाने हैं, जैसे कि इस ब्रिक के हमने तीन फेसेस बनाए हुए दिखे हैं. कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज फोर ऑफ इट्स फेसेस? क्या आप ऐसी कोई ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें ब्रिक के चारों फेस दिखाई दे रहे हो? अ वॉल दैट विल नॉट फॉल. एक दीवार जो कभी नहीं गिरेगी. One day, Munia and Zainab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. Zainab ने देखी है कैसी वॉल बनाई ब्रिक्स से और मुनिया ने कैसी बनाई. Zainab says, her wall will not fall easily. उसकी वॉल जल्दी गिरेगी नहीं. Masons too do not put bricks one on top of the other as Munia has done. जो कारीगर होते हैं वो भी कभी जैसे मुनिया ने एक के ऊपर एक ब्रिक रखी है ऐसा नहीं करते. What do you think? Which wall will be stronger? आप क्या सोचते हैं इन दोनों में से, Zainab और मुनिया की वॉल में से किसकी वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? Look for walls where you can see different brick patterns. अब हम कुछ वॉल्स देखते हैं जहाँ हम डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स देखेंगे. Here are photos of three kinds of brick walls. Can you see the difference in the way The bricks are placed. ये हम कुछ दीवारें देखते हैं, कुछ पैटर्न्स देखिए. अब आपको क्या लगता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है? Now match the photo of each wall with the correct drawing below. अब यहां पर जो इसमें है ड्रॉइंग, इससे इस फोटो को मैच करना है कि कौन सी ड्रॉइंग से किस फोटो को मैच कर सकते हैं. Looking through a brick जाली, जाली आप समझते हैं ये सब जालियां हैं, ओके. अगर हम ब्रिक की जाली, ईंटों की जाली से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा? द मैसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल. इन मैसन्स ने जिन्होंने जागृति स्कूल बनाया है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जालीज बनाई है वॉल पर जो ब्रिक की बनी हुई है. हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज टू फोटोज? इन दो फोटोग्राफ्स में आपको कितने अलग अलग टाइप की जालियां दिखाई देती है उसके नंबर लिखेंगे. दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली. कितनी सुंदर जाली है ये, पूरी ब्रिक की बनाई हुई मैसन्स. नाउ कलर सम ब्रिक रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो. यह एक वॉल बनी हुई है, आप खुद अपने मन से एक सुंदर सा जाली पैटर्न यहां बनाएंगे. वॉट डू यू डू? आप इसमें ब्रिक्स में रेड कलर करेंगे. यू कैन यूज पेंसिल कलर. अगर आप पेंसिल कलर करते हैं तो दी बेस्ट है, या क्रेयॉन्स भी यूज कर सकते हैं. कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल? ये स्कूल के वॉल में एक झरोखा बना हुआ है, विंडो. नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर. कैन यू शेड इट ब्लैक? और जो झरोखा आप बनाएंगे उसको आप ब्लैक कर देंगे, ओके, लाइक दिस, ओके. आप ऐसे कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, ओके. तो आपकी खिड़की यहां बन जानी चाहिए.
दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला. केरल की एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है, वहां पर इस तरह की जाली बनी हुई है. सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल. अब आप ये देखिए, इस पूरी जाली में ट्राइंगुलर शेप पे दिया हुआ है. ब्रिक्स को ऐसे लगाया गया है कि यह एक ट्राइंगल बन जाता है. हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल्स. लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो. क्या आपने ट्राइंगल शेप में जमाई हुई ब्रिक्स को देखा? यस yes. आप यहां देखिए, ये ट्री के चारों तरफ ट्राइंगल शेप में आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही है. डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? दिस इज कॉल्ड एन आर्च. दिस इज फ्रॉम ए स्कूल इन फैजाबाद. फैजाबाद यूपी में एक स्कूल की बिल्डिंग पर ऐसा आर्च लिया गया है. फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम. आप अदर आर्चेस देखिए अपने आसपास की कॉलोनी मकानों में, इस तरह कुछ बनी होंगी डिजाइंस, और उसको आप ड्रॉइंग करके बताइए अपनी कॉपी में.